it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. Know I got you forever, wherever I go. I feel like I'm high. गाइज हम लोग आज खाना नहीं खा रही, हम लोग आज आम खा रही हैं क्योंकि मैंगो का सीजन है। कर रहे हैं स्वाहा और यहाँ मौसम हो गया है आहा। हम लोग चाय पी रही हूँ और नमकीन खा रही हूँ। देखिए गाइज, ये देखिए मेरा चाय है, ये मेरा नमकीन है। ऐसे भी कलर अच्छा लग रहा है इसका। हाँ तुम भी बना लो, फूल बन जाए। निकाल लिए, बड़ा मेस हो गया। रात के 1 बजे हैं और चाय बन चुकी है, अब हम सब चाय पी कर रहे हैं स्वाहा और यहाँ मौसम हो गया है आहा। ये देखो इसने बारिश करवाई है चिल्ला चिल्ला के। आहा सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल व्यू यार। अगर लीची लगी होती इनमें क्या ज़बरदस्त लगता। बताओ लीची नहीं आई इस बार, अमरूद ही बड़े हो गए होते। ये बारिश का मौसम आहा। आई हाई, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आम है लेकिन इसमें फ्रूट्स नहीं आए हैं। और ये लीची है, इसमें भी फ्रूट्स नहीं आए क्योंकि सबको पता चल गया था कि हम लोग आ रहे हैं। और ये बारिश है। बारिश हो रही है, बारिश का मौसम लगा दें गाना। लवली व्यू, व्यूज तो देखिए आप लोग, व्यूज व्यूज व्यू देखिए व्यू। ये देखिए बारिश हो रही है, वाव अमेजिंग लवली। तो भाई बारिश रुक चुकी है और अब हम आ गए हैं अंदर। और ये कौन सा फ्रूट है आप लोग पहचानते हैं कि नहीं? और अगर जानते हैं तो ये बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको पसंद है कि नहीं। तो भाई बचपन में जब भी जामुन आता था, मम्मी उसको ऐसे बर्तन में डाल के और उसमें नमक डालती थी और फिर उस पर ढक्कन लगा के उसको करती थी शेक शेक शेक। उससे जो है ना इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता था। तो अगर आपको भी जामुन पसंद है और जामुन खाने हैं तो आप भी इसी तरह से जामुन को बनाइए, बहुत ही मज़ा देगा। और ये हम लोगों ने लगे हाथों शॉर्ट्स के लिए, शॉर्ट अपलोड करने के लिए वीडियो बना लिया क्योंकि अच्छा मौका था भाई, जामुन मामू लेकर आए थे फ्री में मिल रहे थे। तो ये देखिए हमने शिकंजी भी बना डाली है जामुन की, इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए हमारा ब्लॉग। तो आज हम अपने पापा को फॉलो करते हुए लंच ना करके आम खा रहे हैं क्योंकि पापा जो थे ना, वो जब मैंगो सीज़न होता था फिर वो लंच नहीं करते थे, फिर वो जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच के टाइम फिर उनके मैंगो ही चलते थे। इस नाम का नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। लखनऊ का फेमस है ये।
गाइज हम लोग आज खाना नहीं खा रही, हम लोग आज आम खा रही हैं क्योंकि मैंगो का सीजन है। गाइज मैंगो का सीजन है, हम लोग मैंगो खा रही हैं। दोपहर के 4 बजे हैं और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए यहाँ पर जितने भी ट्रीज़ लगे हैं, ये मैंगो ट्री ये सब आंटी ने लगाए हैं, उनको गार्डनिंग का बहुत ही शौक है, बहुत इंटरेस्ट है गार्डनिंग में। इस आम में ना बहुत सारे आम, बहुत तरह के आम लगते हैं। और ये नींबू है, इसमें बहुत नींबू आता है। और ये पीच है, इस बार नहीं आया। खा रही हूँ, देखिए गाइज ये देखिए मेरा चाय है, ये मेरा नमकीन है और मौसम बहुत ही सुहाना है। नीचे का थोड़ा सही आ रहा है मैंगो। और ये देखिए व्यू छत पर से, ये देखिए मैंगो ट्री एंड पीच ट्री एंड लेमन ट्री। और वो सड़क दिख रही है और व्यू देखिए कितना प्यारा है, बादल हैं चारों तरफ एंड ट्रीज हैं माशाल्लाह। और ये देखिए सब तरफ लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो बने रही हमारे साथ और वॉच दे रही हमारा ब्लॉग। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा प्लीज। एंड टू कमेंट्स देखिए, ये चांद भाई साहब निकले हैं, प्यारा प्यारा नज़ारा। शायरी बन गई भाई, अपने तो बस मज़े ही मज़े हैं। ये देखिए मामी ने मंगाया नूडल्स चाउमिन, इतना सारा पनीर पड़ा है इसमें, जैसे कि बस फ्री में मिल रहा था। नूडल्स वाले को बहुत ही टेस्टी है, आप लोगों को खाना है तो आ जाइए। और हमारी प्यारी कज़न वापस आ चुकी है हॉस्टल से, छुट्टी हो गई है ईद की। और ये देखिए मेहंदी लेकर आई है साथ में, तो सबको मेहंदी लगा रही है पकड़ पकड़ के। ये देखिए वो जो नेल्स एंड टोज वाली मेहंदी आती है ना, वो है। इसके बाद आप देखिएगा रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। ये देखिए रिजल्ट्स एंड सी तो रिजल्ट्स, तो आप लोग भी लगाइए। चलो खाना खाते चल के, चलो लेट्स गो। फोन में है आज भी फोटो भाई। रात के बजे हैं 11:30 और हम लोग बहुत नफरे दिखाते थे रोज़ की, नहीं खाना नहीं खाना है, पेट भरा हुआ है ये वो। तो आज खाना पकाया गया था कम और हो गया था ख़त्म। तो मामी ने फिर पकाई दाल चावल, बहुत ही टेस्टी एंड यमी है। और उसके साथ है आम का चौर एंड मिर्ची का चौर। तो भाई मज़े ले रहे हैं और लाइबा ढूंढ रही है स्प्राइट की कहाँ पर रखी है। तो मैंने कहा दाल चावल के साथ स्प्राइट, तो शी सेड व्हाई नॉट। तो मैंने कहा भाई ये तो यूनिक शादी है, यहाँ पर दाल चावल के साथ स्प्राइट मिलती है, ऐसा लग रहा है किसी शादी में आए वहाँ पर दाल चावल और स्प्राइट साथ में। शादी जो है बहुत यूनिक है, दाल चावल और कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है साथ में। या रात के बजे हैं 1 और बन रही है चाय, तो जिसको पीनी हो वो आ जाए। और आपको अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो करिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और रखें अपना ख्याल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।